मेडिकल फील्ड में जितना अहम रोल डॉक्टरों का है उससे ज्यादा अहम रोल नर्सों का है। अस्पतालों में मरीजों की सेवा हो या उनकी देखरेख की जिम्मेदारी, यह सभी नर्सों द्वारा किया जाता है। देखा जाए तो अस्पताल में मरीजों की सेवा एक परिवार के सदस्य की तरह करने का श्रेय भी नर्सों को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे दिवस पर देखिए MP न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी में अहम रोल निभा रही है नर्सें, मरीजों की परिवार के सदस्यों की तरह कर रही है सेवा। दिन रात अस्पताल में रखती हैं मरीजों का ख्याल। कोरोना संक्रमित मरीजों को किया जाता है मोटिवेट। जिस प्रकार माँ घर में अपने बच्चों को और परिवार के सदस्यों को संभालती हैं, ठीक उसी प्रकार एक नर्स अस्पतालों में मरीजों को संभालने का काम करती हैं। कोरोना महामारी की इस घड़ी में कई नर्सें अपने परिवार से दूर होकर कोरोना संक्रमित मरीजों की परिवार के सदस्यों जैसी सेवा कर रही हैं। नर्सों द्वारा जहां मरीजों की देखरेख की जा रही है, वहीं उन्हें जल्द ठीक होने के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है। डॉक्टर AD भटनागर की माने तो 10 तरह के मरीजों का इलाज एक जैसा हो सकता है, मगर प्रत्येक की केयर अलग होती है। नर्स मरीजों को हिम्मत दिलाना, खाना खिलाना और वक्त पर दवा देने के साथ उनको मोटिवेट करना, इस काम में नर्सेस की अहम भूमिका होती है। नर्सेस का रोल कई जगह डॉक्टर से बढ़कर है, क्योंकि डॉक्टर एक इलाज करता है, बट पेशेंट की केयर जिसको बोलते हैं वो नर्सेस करती हैं। इलाज 10 तरह के मरीजों का एक जैसा हो सकता है, बट केयर इंडिविजुअल होती है। तो पेशेंट को हिम्मत दिलाना, पेशेंट को खाना खिलाना, पेशेंट की केयर करना, टाइम पे दवाई देना और सबसे ज़्यादा उसको मोटिवेट करना, ये काम करने में नर्सेस की अहम भूमिका होती है। और आमतौर पर अगर वो एक मुख्य पिलर होती हैं पेशेंट के मैनेजमेंट में, तो आज नर्सेस डे पे मेरी यही इच्छा है कि नर्सेस अपना ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाएं और उनकी बहुत अहम भूमिका हो। नर्स निर्मला पाटिल की माने तो कोविड में काम कर हमें सेवा करने का मौका मिला है। हमें पता चल रहा है कि ड्यूटी क्या होती है। मरीज जब डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो बहुत खुशी होती है। हमको कोविड में करके ठीक अच्छा लग रहा है, मतलब मौका मिल रहा है कि क्या होती है बीमारी और ड्यूटी क्या होती है, असल में ये बात पता चली। इतने दिन से तो ठीक था, सेवा भावना थी, लेकिन ये जो महामारी आती है इसमें कैसे काम करना और कितनी लगन से करना। महामारी का वो है कि एक दूसरे को फैलती है, इसलिए अटेंडर अलाउड नहीं है, उनको हम ही देखते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना मोटिवेट करते हैं कि आपको घर जाना है, आप अच्छे हो रहे हो, ये उनको मोटिवेट करते हैं। वो भले कितने भी सीरियस हो, आखिरी दम तक यही कि आप अच्छे हो रहे, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, और थोड़ा कोशिश करो, और थोड़ा कोशिश करो। उस खुशी का जितना मरीज को खुशी होती उतनी हमको भी होती। नर्स जयश्री चौहान के मुताबिक नर्स एक सेवा भाव से जुड़ा प्रोफेशन है। एक नर्स में अपनत्व की भावना रहती है। अस्पताल में नर्सों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, मरीजों की देखरेख के साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता है। हमारी कोशिश रहती है हर मरीज ठीक होकर जाए। नर्सेस एक सेवा भाव से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर परिवार में अगर एक नर्स, जिस तरीके से एक माँ रहती है, माँ अपने पूरे परिवार को संभालती है, उसी तरीके से अगर एक नर्स रहती है जिसको डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ता है और डॉक्टर से ज़्यादा समय वो पेशेंट के साथ रहती है, जिस तरीके से माँ अपने फैमिली के साथ मैनेज करती है ना, तो एक नर्स एक परिवार को संभालती है, एक समाज को संभालती है, एक देश को संभालती है। और ये क्योंकि उसमें एक फीमेल रहने के कारण उसमें एक अपनी भावनाएं रहती हैं, जो अपनत्व की भावनाएं रहती है। आज के कोविड के समय में जब पेशेंट इस बीमारी के नाम से घबरा रहा है ना, हर मरीज, हर इंसान, एक सामान्य इंसान जब भयभीत है, उसको हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके डिस्चार्ज होने तक की जो प्रक्रिया है, पेशेंट घर पे है तो उसको ये टेंशन है मुझे कोरोना ना हो जाए, पेशेंट अगर कोरोना से पॉजिटिव हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल के माहौल के ऊपर कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे कैसा माहौल मिलेगा, मैं वहां से आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा,
तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। क्यों क्यों? क्योंकि हमारे को फिजिकली मेंटली उनको मॉरल सपोर्ट भी देना पड़ता है, जिसमें हमारे को दवाइयों के साथ साथ जो डिप्रेशन रहता है, उनकी मानसिकताएं जो रहती है, जो कमज़ोर रहती है, उसको सुदृढ़ करना पड़ता है, उनको खाने पीने से लेके और उनको मनोबल बढ़ाए रखना पड़ता है। हमारा एक टीम वर्क होता है, जो टीम वर्क यही कोशिश करता है कि किस तरीके से पेशेंट अच्छे से अच्छी इलाज लेके और मोटिवेट होके ठीक होकर जाए। इन्फेक्शन कंट्रोल बायोमेडिकल इंचार्ज प्रयास की माने तो वे अस्पताल की दूसरी जिम्मेदार के साथ ही मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं। मरीज जब ठीक होकर जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। मरीजों को डिप्रेशन ना हो इसका ध्यान रखते हुए उन्हें मोटिवेट किया जाता है। सर्वप्रथम नर्सेस डे के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नर्सेस जो कार्य इस हॉस्पिटल में वो पूरे विश्व में कर रही है वो सराहनापूर्ण कार्य है। मैं इस प्रोफेशन में, मेरी मम्मी न्यूरोसर्जरी इंचार्ज हैं मुंबई हॉस्पिटल में, मैं उन्हें अपना मार्गदर्शन मानता हूँ। और इस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अधिकारियों द्वारा मुझे दायित्व इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल का दिया गया है। इसके साथ साथ मैं मरीजों की सेवा का भी कार्य करता हूँ। जब मरीज़ यहाँ से ठीक होकर घर जाते हैं, स्वस्थ होकर जाते हैं, जो उनके चेहरों पे खुशी रहती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि एक मरीज़ यहाँ पे जिस कंडीशन से आता है और उसके अंदर जितनी रिकवरी के साथ यहाँ से जाता है तो बड़ा खुशी महसूस होती है। इसके साथ साथ हम वार्ड मैनेजमेंट भी करते हैं, मरीजों को जो सेवा देनी है, जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो उनके पास पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, और पहुँचने के बाद उनका ट्रीटमेंट मतलब रिकवरी रेट कितनी जल्दी हो रहा है, वो हमें बहुत खुशी होती है। जब यहाँ मरीज आता है तब परिजन के साथ आता है, लेकिन कोविड इलाज के दौरान वो आइसोलेट हो जाता है, मतलब अपने परिजनों से भी नहीं मिल पाता है, लोगों से भी नहीं मिल पाता है, केवल उनके बीच वही लोग रहते हैं जो कोरोना पॉजिटिव रहते हैं, तो उन्हें डिप्रेशन फील होता है। तो हम लोगों का यही एक मोटिवेशन रहता है कि हम उनको मोटिवेट करें, उनको हैप्पीली फील कराएं और जितनी जल्दी रिकवरी हो उन्हें मतलब मोटिवेट करना, उनको डिप्रेशन ना आए, इसलिए हम वो सारे कार्य करते हैं यहाँ पर। नर्स शेफाली पांडे के मुताबिक सेवा भावना से हम ड्यूटी कर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। नर्सेज मरीजों को फैमिली मेंबर जैसा ही ध्यान रखती हैं। मरीजों को लगातार समझाइश दी जाती है, उन्हें बार बार मोटिवेट करते हैं। जो हमारी सबसे पहले जो इस दुनिया की जो नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने ये जो प्रोफेशन चूज़ किया था तो उन्होंने सेवा भावना से चूज़ किया था, मतलब वो देश के प्रति, लोगों के प्रति अपने जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था। वैसे ही हम लोगों ने भी यही सोच कर, इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग अपने ड्यूटी पर आते हैं कि हमें मरीज़ जो हैं, जो परेशान हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हम सेवा करें, जितना हमसे हो सकता है हम अपना उतना 100% हम देने की कोशिश करते हैं। नर्सेस जो होती हैं वो एक प्रकार से हम पेशेंट को बिल्कुल फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, वैसे ही उनका केयर करते हैं। बहुत सी बार हमारे ऐसा समय हो जाता है कि हमें उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ जाता है, पानी पिलाना पड़ जाता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, वैसे ही उनको बहुत सी बार स्पंज बाथ हो गया है, खाना हो गया है, पानी हो गया है, ये सब हमें स्वयं करना पड़ जाता है। तो उस भावना से ही हम ये नहीं करते कि ये हमारा काम है, हम उसको मन से और सेवा भावना का उसमें समझ के करते हैं। हम जितना हो सकता है उनको सांत्वना देते हैं, उनको मतलब फिजिकली मेंटली उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप यहाँ से अच्छे होके जाएंगे, आप हिम्मत रखिए, आप अच्छा सोचिए और जितना हो सके उतनी हिम्मत रखिए, आप अच्छे होके यहाँ से जाएंगे। हम वैसे उनको फिजिकली और मेंटली हम उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं हर तरीके से, जितना हमसे बनता है हम वह सारी चीज़ें करते हैं। देखा जाए तो अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बेहतर ध्यान एक नर्स के सिवा और कोई नहीं रख सकता है, जो मरीजों को परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखने के साथ ही उसे मोटिवेट भी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।